बंद
share it, Bhakta will you does it. इसलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान कृष्ण की वाणी जो उन्होंने मनुष्य के लिए आदेश दिया है, उपदेश दिया है, उसे अपने जीवन में लाई भगवत गीता के रूप में, अमर ज्ञान, नित्य ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, जर्मनी का एक विद्वान था, उसका नाम था कांट, प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है, उसने गीता को अपने जीवन का परम अवलंब बना रखा। उसका एक मित्र था अमेरिकन, वो भी बहुत अच्छा संत और दार्शनिक था, उसका नाम था दर्शन। तो गीता को उपहार के रूप में उसने अपने मित्र इमर्शन को भेंट किया। इमर्शन ने जब गीता को पढ़ी, उसने अपने मित्र कांट को लिखा कि इस पुस्तक के पढ़ने से पूर्व के जीवन को मैं अपने व्यर्थ का निरर्थक जीवन मानता हूं और मैं अपने जीवन का पुस्तक मेरे हाथ में आए। और उसने यह भी लिखा कि जब कभी दुनिया के मनुष्य सही माने में मानव धर्म को ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे, और उसके लिए किसी आधार की तलाश करेंगे, तो उस अवस्था में ये भगवत गीता के सिवा और कोई दूसरा ग्रंथ दुनिया में नहीं है जो मनुष्यों के लिए मानव धर्म का आधार बन सके। ये इमर्शन की वाणी है। इसलिए गीता में आपको समग्र जीवन जीने की उपदेश सीख उस पर ब्रह्म परमात्मा ने दी है, तदनुसार जीवन बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उपदेश एकाएक हृदयंगम नहीं होता। यदि उसके अनुसार कोई आदर्श हमारे सामने न हो, तो गीता में जो उपदेश दिया गया है, यदि मैंने बताया था कि उसका मनुष्यों में प्रचार सर्वप्रथम महाराजा इक्ष्वाकु ने किया है, महाभारत शांति पर्व की बात बताई, और उसी इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए थे भगवान श्री राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनस्मृत, और भगवान श्री राम के चरित्र में, उनके अनंत चरणानुरागी भाइयों के चरित्र में, उनके अनंत चरणानुरागी पार्षदों के चरित्र में आप उसी गीता का क्रियात्मक रूप पाएंगे। क्रियात्मक, क्योंकि गीता का ज्ञान तो अनादि है, तो महाभारत काल में कहा गया ऐसी बात नहीं। ये तो आप कई बार सुन चुके हैं कि महाभारत काल में तो गीता दोहराई गई, लेकिन उसका संदेश तो श्रीमन्नारायण के द्वारा हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ के द्वारा दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति के द्वारा आदित्य को, आदित्य व्योष्वान को, व्योष्वान के द्वारा मनु को, मनु के द्वारा इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु के द्वारा सारे मानव समाज को दिया गया। कितना प्राचीन ज्ञान है, इसकी पूरी डिटेल में व्याख्या मैंने उद्धरण के साथ अपने धर्म विज्ञान भाष्य के प्रारंभ में लिखा। गीता का क्रियात्मक स्वरूप आपको रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तथा
किया है रामायण की जो वायु जिस महात्मा भरत की महत्ता का मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं वो महात्मा भरत सही माने में गीता के विचारों के क्रियात्मक स्वरूप है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामो विग्रहवान धर्म राम धर्म की साकार मूर्ति है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम विग्रहवान धर्म है इसमें संदेह नहीं, लेकिन मनुष्यों के लिए आदर्श रूप में महात्मा भरत धर्म की साकार मूर्ति। और उन्होंने ये भी बताया कि भरत चरित्र कर नेम तुलसी जे सागर सुनई सी राम पद प्रेम अवसी हो भवरस बिरति। महात्मा भरत के पावन चरित्र को जो आदर पूर्वक नित्य प्रति सुनता है उसे जीवन में उतारता है उसका उस पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम के चरणों में अनंत प्रेम स्वतः हो जाता है और वो इस संसार की आसक्ति के अंदर आबद्ध नहीं होता बल्कि संसार से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। इतनी महिमा है महात्मा भरत के उस पावन चरित्र। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भरत की क्रांति उदंडतापूर्ण नहीं है बिल्कुल विनम्रतापूर्ण है। वो माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं लेकिन उनको दोषी ठहरा कर नहीं, उनको नालायक अज्ञानी ठहरा कर नहीं, वो तो अपने गुरुजनों से कहते हाथ जोड़ करके तुम तो देव सरल सिख सोई जो आचरत मोर फल होई। आप लोग तो मेरे लिए बहुत सरल सा रास्ता बता रहे, बहुत सरल सा रास्ता। जो दुनिया का रास्ता प्रचलित है चला आ रहा है उस रास्ते पर चलना कोई कठिनाई नहीं है, वो तो सरल सा रास्ता है, दुनिया उसी पर चल रही तुम भी चलते रहो। लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं जो युग धर्म के प्रवर्तक होते हैं जो मानव के लिए आदर्श होते हैं जो मानवता की नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं वो उस घिसे पिटे राह पर नहीं चलते, उनको वो सरल राह नहीं सुहाता। उनके लिए तो हमेशा ऐसा मार्ग प्रिय लगता है जो कंटकों से भरा हुआ हो, कंटकों से भरा हुआ। मैं हूं राही कंटक पथ का मुझे राजपथ कभी न भाया उपरामता रही कुंजों से प्रिय लगती करी लिखी छाया। इतना ही नहीं मधुबन की मधुबन पावे मादकता मेरे मन को नहीं सुहाती बीहड़ कानन के खदवन सब है मेरे बचपन के साथी। तुम हो नहीं ऋतु वसंत के कैसे यहां बसर पाओगे मेरी राह बड़ी अटपट है कैसे इस पर जल पाओगे। जब मैं सर्वप्रथम युग धर्म का अनुभव करता हुआ एक क्रांति का बीज प्रारंभ किया था तब मेरे पास आने वाले लोगों को मैं अपनी ये कविता सुनाया करता था और ये बिल्कुल सत्य बात है कि घिसी पिटी राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी मानव समाज में
मां तो बड़ी अच्छी गई, भरत को और सुंदर मौका मिल गया था, कम से कम ज्यादा नहीं थी 14 वर्ष ही सही। लेकिन आप लोग जानते हो ना, महाभारत के धृतराष्ट्र को टेम्पररी राज मिला था, राज का अधिकारी तो था पांडु। पांडु का जब स्वर्गवास हो गया, बच्चे छोटे थे, तो भीष्म पितामह ने कहा कि भाई बिना राजा का राज्य कैसे रहेगा, तो जब तक पांडु के बच्चे बड़े नहीं होते तब तक इसके राजगद्दी पर बैठा दो। लेकिन उस अंधे को यह चिंता लगी कि जहां युधिष्ठिर पड़ा हुआ राज उसके हाथ में चला जाएगा, इसलिए मेरा राज मेरे बाद मेरे पुत्र को मिले। और इस उस अंधे की कामना ने महाभारत का बीजारोपण किया। जो आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, सर जिस समय गुरुदेव ने यह कहा भरत से कि अभी तुम राज संभालो, 14 वर्ष बाद जब राम आएंगे तब राम को राज लौटा देना। लेकिन कैकेयी ने जब वनवास मांगा था तो उस बहुत समझ बुझ कर मांगा था। तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटि कुटिलमन गुरु पढ़ाई, मंथरा ने उसे ऐसा मंत्र बताया कि तुम राजा से 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांगना, इससे कम नहीं मांगना, क्योंकि 12 वर्ष तक ये कानून है, शास्त्र का विधान है, आज भी ये हिंदू राज संहिता लागू है कि किसी संपत्ति पर यदि कोई 12 वर्ष तक अपना अधिकार जमाए रहे तो कानून वो वहां से कार्य नहीं किया जा सकता। मंथरा जानती थी, उसने कैकेयी को उपदेश दिया कि 14 वर्ष का राज मांगना है, इससे कम मांग लिया तो राम आएंगे तो उसके अधिकारी बन जाएंगे, और 12 वर्ष के बाद राम आएंगे तो उनका अधिकार नहीं रहेगा, वो मांगेगा कहां से। इसलिए जिस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि सौम्य भूराज राम के आए सेवा कर स्नेह सुहाए, तुरंत सुमंत मंत्री उठकर खड़े हो गए, तुरंत उठकर खड़े हो गए, कहा महात्मा भरत मेरी भी प्रार्थना सुनिए, कीजिए गुरु आयस अवश्य कहि सचिव कर जोरी। आप गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए, लेकिन जो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष बाद जब राम आएंगे तो राज उनको लौटा देना, ये बात गलत है। गलत है, क्यों गलत है? आरग पर आए उचित जस तस तब कर बहोरी, ये संभव ही नहीं है। 14 वर्ष बाद जब राम आएंगे उनका कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। भरत इस बात को जानते, भरत नीति निपुण है, भरत विवेक के समुद्र हैं, ज्ञान के कोष हैं, इसलिए भरत को ये रहस्य ज्ञात है, जानते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा अपने प्रियजनों के गुरुजनों को, तुम देव देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आप लोग तो वही मुझे शिक्षा दे रहे हो जिसका आचरण करने में मुझे सुविधा भी है और सुख भी है, लेकिन लेकिन मेरी प्रार्थना सुन लो, जब तभी यह समझत होंगे तदपि हो तो परितोषण दीगे। उत्तर देव क्षमा भी अपराध, मैं अब आप लोगों को उत्तर देने जा रहा हूं। आप लोग बड़े शास्त्र के अनुसार बड़ों को उत्तर नहीं देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि बड़ा कोई प्रश्न करता है, बात करता है, उसे उत्तर नहीं देना चाहिए, उत्तर देने में पाप लगता है, अपराध बनता है। भरत जी कह रहे वो अपराध करने में जा रहा हूं, उत्तर देव क्षमा अपराध। लेकिन ये मैं अपराध क्यों करने जा रहा हूं जानते हो? दुखी तो दोष गुण गई न साधु, मैं दुखी हूं। और दुखी आदमी जो है यदि अपने दुख की बात भी न कह सके सभा के सामने तो उसके दुख का निवारण कैसे होगा? इसलिए जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं मेरे ऊपर क्षमा दया करके आप लोग उसे क्षमा करना और मेरी दुख भरी बात को आप सुनो। भरत ने अपनी बात बता दी कि मेरा हित इस राज्य में नहीं है, मेरे लिए ये राज्य मृतक शरीर के समान है,
दी थी। उसने कहा कि लेकिन मंथरा के बताने में जब उसकी बुद्धि भ्रमित हुई तो सिद्धांत भूल गए। भरत ने कहा कि मेरा हित तो राम की उपासना राम की सेवा में है, लेकिन वो नाती कुटिलता में हर ली है। मैं क्या कहूं, मैं जानता हूं अपने आप को कि मेरी मां ने सबके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था दे दी, बहुत सुंदर व्यवस्था दे दी। लखन राम सिय कहु बन दीना, इसने मेरी मां कह गई और पठई अमर पुर पति दकीना। मेरी मां कह गई ने लक्ष्मण राम सीता को वन में भेज दिया और अपने प्राण से प्यारे पति को स्वर्ग भेज दिया, स्वर्ग भेजकर उसका कल्याण किया, उसने हित किया। भरत जी कहते हैं लखन राम सिय कहु बन दीना, पठई अमर पुर पति हित कीना। अपने लिए भी उसने कम व्यवस्था नहीं की। लीन विधव पन अपजस आपू, अपने लिए भी उसने बड़ी महत्वपूर्ण चीज ली। कौन सी? विधवा बना लिया और अकीर्ति लिया। बड़ा नारी के लिए विधवापन कितना दुखद होता है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि जो नारी युवा अवस्था में महान पाप करती है वही दूसरे जन्म में विधवा होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई तो विधवा होई पाई तरुणाई। तरुणाई वृद्धावस्था की बात नहीं कही, तरुणावस्था में वही नारी विधवा होती है जो अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है। और वो विधवापन कैकेयी ने अपने लिए स्वयं खरीद करके लिया, अपनी व्यवस्था के अनुसार लिया। महाराज दशरथ ने कहा कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। उन्होंने यहां तक कहा इमान मातृ बही देव तोई, राम विमुख जन मार सिमोही। लेकिन कैकेयी ये जानते हुए कि राम के बिना राजा जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी उसने राम को वन भेजने का हट किया। परिणाम में लीन विधवापन अपजस आपू, केवल विधवा ही नहीं हुई अब कीर्ति का भाजन बन गई। और इसके बदले में भरत जी कहते हैं तीनों प्रजई शोक संतापू, और अवध राज्य की सारी प्रजा को उसने शोक और संताप दिया। सोचो पहले राम लक्ष्मण सीता को वन दिया, पति को स्वर्ग दिया, अपने लिए विधवापन और कीर्ति ली, प्रजा को शोक और संताप दिया। ये मेरी मां ने इतना महान काम किया है और इसके बदले में मोहिदीन मेरे लिए क्या दिया है? सुख सुज ससुराजु, मेरे लिए मेरी मां ने सुंदर राज्य की व्यवस्था की। केवल मेरे राज्य की व्यवस्था के लिए उसने ये सारा काम किया। सोचिए कैकेयी का पुत्र भरत न होता तो क्या कैकेयी ये सारा काम करती? न करती। भरत जी कहते ये सारा काम मेरी मां ने जो किया है वो केवल मेरे लिए किया। मोहिदीन सुख सुज ससुराजु, ये तीन कह गई सब कर काजु। कैकेयी ने सबके लिए बढ़िया बढ़िया काम कर दिया और सबसे बड़ा काम तो मेरे लिए किया कि मेरे बाप को स्वर्ग भेज दिया, मेरी प्रजा को शोक और संताप दिया, मेरे प्राण प्रिय भाई को जंगल में भेज दिया, अपने लिए विधवा पर अकीर्ति ली और मेरे लिए राज और सुखदेव। बड़ा सोचिए तही पर कहू कढ़ा मनती का, ये तो मेरी मां ने किया है, अब आप गुरु होकर के मेरे लिए क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तही पर कहू कढ़ा मनती का, मेरे लिए आप टीका कराना। टीका कराना माने राज तिलक कराना। ये व्यंग का वाक्य तही पर कहो कढ़ावन टीका, मेरे लिए आप तिलक लगाना चाहते हो, राजगद्दी पर बैठाना चाहते हो। यही से अधिक
रामायण में तुलसीदास ने लिखा कि औध पुरी के ऊपर